हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस नए साल के अवसर पर मैंने सोचा आप लोगों से दो चार बातें कर ली जाएं। जी हाँ, मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो 2022 में आप लोगों को दुख तकलीफ़ या जो भी परेशानियाँ रही हों वो 2023 में आपको ना हो। आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, आपकी फैमिली के लोग अच्छे रहें, और आपने जितना प्यार मुझे 2022 में दिया उम्मीद करती हूँ आगे जाने वाले 2023 में भी आप सब मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब मेरे केवल फ्रेंड्स नहीं हैं, कुछ मुझे बहुत अच्छे बिल्कुल सिस बोलते हैं, कोई रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब पूरी फैमिली बना के रखी हुई मैंने इस जगह पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जिस वीडियो पर करने वाली हूँ रिएक्ट वो है मूवी चार साहिबजादे बंदा सिंह बहादुर का थर्ड पार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों को चैनल पर आए हो और चैनल पर आप लोगों को इतनी सी भी वीडियो अगर पसंद आए ना तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जी गुरु साहब देख के आते हैं। तंबू में ही रखा था ना। हाँ हाँ, तू चल तो सही। जिसने उन्हें पैदा किया उनको ही मिटाने आए हैं। वाह, रात में इन घोड़ों को क्या हुआ? चल देख के आते हैं। क्या मार देगा वो? इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब पे वार किया है। कौन है तू? कहां से आया है? मुझे वजीर खान ने। वजीर खान, गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था। वैद्य ने उसको सीकर खून का बहना तो बंद कर दिया, पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। गोदावरी के किनारे बादशाह बहादुर शाह के डेरे से सिंहों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। उसने तसल्ली दी कि जख्म तो ठीक हो जाएगा, पर गुरु साहब को कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। बंदा सिंह, मैंने कहा था ना आपसे वो शांत नहीं बैठेगा। ज़ालिम वजीर खान, पंजाब से संदेश आया था कि गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए हैं। लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे बादशाह की राह देख रहे हैं। गुरु साहब की छाती का जख्म उनको घोड़े की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंहों की मौजूदगी में अपने पंज प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शह सवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। पंजाब को जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहिब जी। मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूं।
ये हैं हमारे तरकश के 5 तीर। वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज। ये है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे। गुरु साहब ने फिर भाई विनोद सिंह, कहन सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह और भाई राम सिंह को आगे बुलाया। ये हैं पंज प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा, इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे। जो हुक्म गुरु साहब जी। फिर गुरु साहब ने पंज प्यारों से कहा, आप पंज प्यारों को बंदा सिंह का ख्याल रखना। जब कभी ये खालसा पंथ की नीति से भटके, इसको सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमने 25 सिंह और तैयार किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। मुगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ से रवाना होना है। 5-5 सिंहों का जत्था बनाकर निकलना है। लंबा रास्ता लेना पड़े कोई परवाह नहीं, ले लेना। गांव बुढ़िया पहला पड़ाव होगा। बंदा सिंह, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। तुम सिंहों के जत्थे के सरपरस्त, लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना, पीछे कभी नहीं हटना। किसी को कुछ कहना सुनना है? कल सवेरे जत्था पंजाब को रवाना होगा। तू तो एकदम पठान लग रहा है। हाँ, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा। मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकलना है। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके। आपने ही तो सद्बुद्धि दी है, होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है, उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंहों की अगुवाई कर रहा हूँ। सिंहों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरु जी। ये मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ, तुम्हारे जाने से पहले अरदास कर ले। बंदा गुरु कृपाला निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। ओए सोनिया, संतोष वजीर खान का ना सच में नाम निशान है। निकला तेरा बंदा हूँ कह निकला, बन अमन का बादल बरसेगा, बिजली पर जुल्म पे कड़केगा। बंदेरा हो बंदेरा, खंडा खड़केगा, बंदेरा खंडा खड़केगा, खंडा खड़केगा, बंदेरा खंडा खड़केगा। Thank you.
गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था, पर वैद्य का कहना था कि उनके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। सिंह ये सुनकर बहुत घबराए हुए थे। गुरु साहब ने उनको बुलाकर समझाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, रब की रजा में ही सबका भला है। गुरु साहब ने फिर दया सिंह जी से कहा, ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं। उन्होंने फिर ऐलान किया, खालसा जी आज रस्मी तौर पर हम एक घोषणा कर रहे हैं। फैसला तो बैसाखी के दिन ही हमने कर लिया था, जब हमने पंच प्यारों को अमृत छकाया था। आज हमने 5 पैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे चढ़ाकर माथा टेक दिया है। आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे। अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खालसा होगा। आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारी तरफ से सारी संगत फतेह परवान करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहा। इसीलिए उनके बाद से कोई गुरु नहीं हुआ और हम सब जितने भी सिख थे उनको गुरु मानते हैं। बंदा सिंह जी, हमले की शुरुआत हम नहीं करेंगे, अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खत्म हम करेंगे। ओए, रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। तलाशी लो इनकी। हम तलाशी नहीं देंगे। अच्छा, बड़ा टेढ़ा सुर है तेरा। देरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टोकते नहीं। एक मुक्के में ढेर हो गए तो भाग गए। इस तरह की मुसीबतें तो कदम कदम पर टकराएंगी, आगे क्या सोचा? जहां तू मेरे वल है ता क्या मोहछंदा, तुद सब किछ मैनु सौंपया जा तेरा बंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुगद्दी सौंपने के बाद जिस शाम गुरु साहब ने संगत को दोबारा इकट्ठा किया, उस दिन नांदेड़ में सुबह बड़े अनहोने ढंग से हुई थी। पंछी चहचहाए नहीं, मोर हिरन मस्ती करने की बजाय उदास आंखों से गुरु साहब के डेरे की तरफ देखते रहे। संगत भी घबराई हुई थी। गुरु साहब ने संगत को समझाते हुए कहा, खालसा जी हमारी आपसे ये आखिरी मुलाकात है। हमारा जख्म हमें ईश्वर का संदेश दे रहा है, कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। रब के वास्ते गुरु जी ऐसा मत कहिए। सच्चे पातशाह हमें छोड़कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। गुरु साहब ने समझाया, जैसे निरंकार के दिए हुए श्वास पूरे होते हैं, मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है। ना पहली पातशाहियां दुनिया छोड़कर गईं, ना हम जाएंगे। हाँ, अकाल पुरख के हुक्म से ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा, हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे। आप सबने आज से पर्चा शब्दा पूजा अकाल पुरख की, दीदार खालसे दा सिद्धांत पैरा देना। वक्त आ गया है, अच्छा अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कितना कठिन समय रहा होगा वो, जो हमारी तरफ से गुरु जी ऐसे बोल रहे होंगे। फतेह परवान, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
तीनों के लिए बहुत जगह है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओए, तूने सिखों के बारे में सुना? तू सिखों की बात छोड़, पहले ये सुन। मैंने सुना गोदावरी किनारे बैठा बहादुर शाह सेना के साथ दिल्ली को लौट गया। दक्कन में फैली बगावत अब शांत हो गई है। तू सिखों के बारे में क्या कह रहा था? अब तो लगता है नादेड़ बैठे सिंह भी पंजाब को लौट जाएंगे। क्यों? बुरी खबर है, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया से चले गए। क्या हुआ था? बीमार थे? नहीं, सुना छाती पर कोई जख्म था जिसका जहर सारे शरीर में फैल गया था। अगर हम ना आ सके। आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। मुबारका। इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तख्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी जितनी आज गोविंद की मौत की खबर सुन के मिली है। ये सिखों का अंत है। जश्न हो। यूं लगता है जैसे सिर पर आसमान ही नहीं रहा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है, इसलिए गुरु साहब हम हजारों को पगड़ियां पहनाकर चले गए हैं। अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरु साहब को कुछ नहीं हुआ, उनको अपने सिंहों की बहुत चिंता है। देखो, सोचते सोचते कहीं गोदावरी की तरफ निकल गए होंगे। भाई दया सिंह जी, जाइए ढूंढिए उनको, जाइए। जैसे पिछली बार आप माछीवाड़े के जंगल में गए थे, गुरु साहब मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे। जाइए भाई दया सिंह जी, गुरु पिता को ढूंढ के लाइए। हम उनके बिना नहीं जी सकते। किसी को तो पूछिए, गोदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछिए। माता जी, आप ही पूछिए, किसी से तो पूछिए। पूछूंगी, सबसे पूछूंगी। एक बार माता गुजरी जी मिल जाए, उनसे जरूर पूछूंगी, जिन्होंने ऐसे अनोखे लाल को जन्म दिया। जरूर पूछूंगी। बोल माँ गुजरी है, बोल माए भोली है, दस तेनू पता से के ना तेरे पुत जे पुत होना नहीं जहान ते होनी नहीं ओ तेरे जे माँ दस तेनू पता से के शहीद होने तोर देना रीस कौन कर तेरे लाल दी दिल कट झंझुआ ते सिर उते वार देगा अपने हिस्से दी छां दस तेनू पता सी कहना माए दस तेनू पता सी कहना गुरु साहिब ने कहा था हम सब लोग नंदेड़ से निकलकर पहली बार यहाँ बुढ़िया में इकट्ठा होंगे। पता नहीं था यहाँ बैठकर दुख साझा करेंगे। दस तेनू पता सी के ना हाँ दस तेनू पता सी के ना दस तेनू पता सी के ना रब दा है पुत मेरा पुत मैं भी जान दिसा
सदा डोलना ते बोलना मना जान दे मैं सब कुछ हाँ मैनू पता सी पांच प्यारों ने मिलकर फैसला किया है कि अब पीछे नहीं हटना। नम आंखों से मंजिल धुंधली नजर आती है, अपनी आंखों से आंसू पोंछो और दुश्मन की आंखों से नींद उड़ा दो। क्या हुआ, अचानक किस तरह उठ क्यों गए? अपनी मौत देख रहे हैं। ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, आजादी की किताब का पहला पन्ना है। जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा। इनको पंजाब के हर इलाके में पहुंचा दो। पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे। पर हम तो खुद तंगी में हैं, उन सब का ख्याल कैसे रखेंगे? जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले, बस कलगीधर पिता के आगे अरदास करो। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा। इन लुवाने सिखों के दसपन से हमारी मुश्किलें दूर हो गई। ये क्यों भाग रहे? बंदा सिंह जी, कुछ लोगों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। ये तो किसी गांव के लोग लगते हैं। ओ, ओ, ये तो डाकू है, चलो भागो। इनको क्या हुआ? रुको, मेरे को तो साथ। मुझे मत मारो, हम अपने घरों को खुला छोड़कर आए हैं, सब सामान वहीं पे है, जो चाहिए जाकर लूट लो, मुझे मत मारो। हम लुटेरे नहीं हैं। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ हमारा गांव लूट लो, जाओ। कौन लूट रहा है तुम्हें? खूंखार डाकू रणधीर सिंह, आप उसी के आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं, हम डाकू नहीं है, डरो मत, हम तुम्हें इन डाकुओं से बचाएंगे। वो बागर गांव पे हमला बोलने वाला है। घबराओ मत विनोद सिंह जी, ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रणधीर सिंह का आखिरी। भेजा बंदा गुरु ने तपस्वी त्यागी है, मनों में जैसे आशा नहीं जागी है। उस्ताद गांव खाली है। जाओ घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह, मैं इतनी हिम्मत कहां से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस जाएंगे। बस जाते हैं। जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रणधीरों के साथ टक्कर। Oh!
इतनी जरूरत? रणधीर सिंह को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। खत्म किए, इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। सिंह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आया है मसीहा, आया है, लोगों को दर्द बताया है। ये गुरु जाता जाता पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गए। कहते हैं ना कि इंसाफ का जो नहीं, जुल्म का जो होता है मटका, वो एक दिन एक भरता जरूर है। रास्ते में आ रहा हमारा खजाना बंदा सिंह ने लूट लिया है। बंदा सिंह ने जुल्म सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया। बस इसका ही इंतजार था। उसकी शौर्य गाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंहासन की नींव हिला दी। क्यों आली सिंह, माली सिंह, सिखों का एक और गुरु पैदा हो गया? दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्बों को जीतकर वो क्या समझता है सरहंद पे हाथ डालेगा? ये सभी सिखों को हमारे सरहंद में ही आकर क्यों मर रहा होता है? अब तुम ऐसा करो, उस तक पैगाम पहुंचाओ, कहो कि सुबह सरहंद से टक्कर लेके दिखाए, देखना फिर उस बंदे का बहादुरपन कैसे निकलता है। तुम्हारे गुरु को तो मैंने दक्षिण की तरफ भेजा, वो वहाँ खत्म हो गया। इस गुरु के बंदे की हड्डियां का तो मैं सुरमा बनाकर सरहंद के लोगों की आंखों में डालूंगा। बस यहीं पे चुप हो जा वजीर खान। हम अपने गुरुजी की और उनके भेजे हुए जत्थेदार की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत? हाँ, याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे साहबजादे ने क्या कहा था, जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं। और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी, आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। वही सब हो रहा है। उनको तो शहीद कर दिया, पर उनके कहे बोल तो अटल है ना। गुरु के सिंह फिर से इकट्ठे हो गए हैं और जल्द ही बंदा सिंह बहादुर के दाएं हाथ का अंगूठा तेरा गला दबा देगा। खामोश गुस्ताखो, इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए। भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान, अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता। बंदा बहादुर, कल कैथल से कुछ लोग मिलने के लिए। खालसा जी, जो सिंह हमने पंजाब चिट्ठियां देकर भेजे थे वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं। हाँ, भेजो उन्हें। सिंह जी,
मैं समाने जाकर आया हूँ जी। समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही हैं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाने से भागने की कोशिश पूछते हो गए, पर आपका कर्जा नहीं उतरा। हम थक गए हैं आपका कर्जा उतार उतार कर। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे मुक्त कर दो। दे दो इसको मुक्ति, जान से मार कर उल्टा टांग दो। ये समाना है समाना, यहाँ से कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर जा नहीं सकता। क्या कर्जा था उस गरीब पर? कर्जा तो कुछ है ही नहीं। पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं, फिर उसको सिर्फ एक वक्त की रोटी देते हैं, फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मांगता है तो उनको उनके ही हक के पैसे कर्जे के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो सारी उम्र उनके नीचे दबे रहे। ये लोग पुश्तों दर पुश्तों कर्जे की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। कितने खराब हालात थे उस समय बताइए। अगर किसी के मरे अपनों को उनके धर्म अनुसार विदाई न मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी। वही हालात सडौरा के लोगों के। कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक हम अपने मरों को दफनाते रहेंगे? फौजदार साहब, मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो। तेरी इतनी जुर्रत जो तूने सडौरा का कानून तोड़ा। इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो। जो कपूरी में मैं देख कर आया हूं उसको बताते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसा क्या होता है वहां? डोली किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो, कपूरी में उसका रास्ता कादरुद्दीन की हवेली से होते हुए जाना तय है। अब ले जा सकते हो अपनी बेटी को इसके पति के पास। कादरुद्दीन की हवानियत के डर से कपूरी के लोगों को इस रसम की जैसे आदत सी हो गई हो। बाकी कैथल भिवानी पंजाब तो नरक की भट्टी में गर्क होके रह गया है। माधो दास, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे, उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे गुरुजी ने जो बात कही थी वो कहीं इंतजार कर रहा है। मैं कहीं सोच के वो हम अपने बंदों के साथ इस समय यहाँ है। हमारा मकसद सरहंद है, पर सरहंद पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। समाने की फौज की गिनती तो काफी है। हाँ, उम्मीद है हमारी भेजी चिट्ठियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और समाने तक पहुंचने का खर्चा? कैथल और सोनीपत के अमीरों, चौधरियों और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है। मेरी नजर उस पर है। आप जी पांच प्यारों की क्या राय है? बंदा सिंह ने फिर सोनीपत और कैथल के खजाने पर अपनी मोहर लगाई। बैरागी सिंह और भाई फतेह सिंह भी अपना जत्था लेकर बंदा सिंह के साथ आ मिले। मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता, और तुमने सिखों के हमले की अफवाहें सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकट्ठा कर लिया। बंदा सिंह की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया। बंदा सिंह ने समाने पर हमला बोल दिया। जब सिंहों के जयकारे आम किसानों ने सुने तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। हथियारों की जगह जिसके हाथ जो भी आया वो लेकर अमीरों के पीछे पड़ गया और हल्ला बोल दिया। देखते देखते समाना तबाह हो गया। क्या बात है। जोहरत, जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो मुझे। दे दो इसको मुक्ति और चौराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। जो आपने किसी के साथ किया वो आपके साथ ही। छोटे साहबजादों को दीवार में चिन्हने वाले दो जल्लाद शाशल बेग और पाशल बेग भी समाने के ही रहने वाले थे। बंदा आ गया, बंदा आ गया।
हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खान ने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुनाह भी उस दरिंदे से कम नहीं था, सिर्फ तुमने ही यहाँ की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनकर दम घोट कर मारना चुना। मैं बताता हूं तुमको सांस घुटने से कैसे होती है मौत। बर्बादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंजाब नहीं भेजा था। सच्चे बादशाह, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरणी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया? नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया। गुरु साहब ने कहा, अंतर्यामी बादशाह, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है, मुझे बख्श दो। गुरु साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गए हैं। पर गुरुजी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। गुरु साहब ने कहा, इस नफरत के तूफान के आगे अगर तुम खड़े होते तो इस तूफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था। तुम्हारे जैसी गलती हर इंसान करता है, जब वो ये सोचता है कि यहाँ जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहाँ जो कुछ भी होता है निरंकार के हुक्म से होता है। सतगुरु होए दयाल का दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तुम्हारे रंग बंदा ने अमीरों द्वारा गरीबों से की गई लूट को वापस गरीबों में बांट दिया। ऐसा हार तो मेरी दादी के पास था। हाँ, ये तो वही है। हाँ, ये तो वही है। ये देखो काके के बापू, बंदा सिंह की रहमतों ने आपके बच्चे को कर्जे से मुक्त करवा दिया। आप किसानों के पास कितने कितनी जमीन है? 2 बीघे। आप 4 बीघे। मैं 5 बीघे। 2 बीघे। 4 बीघे। जमीन हमारी नहीं है जी, हम तो जोतते हैं। आज के बाद वो जमीन आपकी है। ये सच बोल रहे, ये क्या हो गया? भाई फतेह सिंह जी, मालिक वो जो जमीन को जोतता है। अब से आप समाने के फौजदार हो, जो जितनी जमीन जोतता है उस जमीन को उसके नाम कर दो। आज के बाद जमींदारी खत्म। हुजूर, हुजूर, समाना तबाह हो गया। खान साहब, खबर मिली है कि भारी तादाद में लोग माझे मालवे के इलाके से इकट्ठे होकर बंदा बहादुर के जत्थे में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सरहंद के इस तरफ से सिंहों का जत्था तो क्या, उनका कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। जो बंदे का नाम ले उसकी जुबान खींच लो, जो कदम उसकी तरफ बढ़े उन कदमों के टुकड़े कर दो। हुक्म की तामील हो। बंदा सिंह वजीर खान की हर चाल से वाकिफ था। उसने फिर अपना रुख शत्रु की तरफ किया, जहां माझे और दुआबे के सिंहों को नवाब मलेरकोटला ने रोका हुआ था। बंदा सिंह का विजय रथ शत्रु तक थमा नहीं, उसने गुरम, केसर, शाहबाद और मुस्तफाबाद पर भी जबरदस्त जीत हासिल की। फिर कपूरी की ईंट से ईंट बजा दी। गुस्से में भरे लोग कपूरी के अय्याश फौजदार कादर उल दीन की लाश पर थूकते और पत्थर मारते। बंदा सिंह ने फिर संडौरा पे चढ़ाई की। संडौरा के फौजदार उस्मान खान ने पीर बुद्धू शाह को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की मदद की थी। उस्मान खान मारा गया, संडौरा आजाद हो गया। लोगों ने अपने प्यारों की देह कब्रों से निकाल उनका दाह संस्कार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया। वजीर खां के दिन तो अब गिनती के ही रह गए हैं।
अब तो उस बेचारे ने गिनती भी शुरू कर दी होगी। हम तो आपे और माजे के सिंगों को तो बदले के उस दिन का इंतजार है जब हमारे हाथ में नंगी तलवारें होंगी और सामने वजीर खान का सर। साहिबजादों की शहीदी का बदला लेकर ही हमको चैन मिलेगा। मलेर कोटले के नवाब को अच्छा सबक सिखाया। साथियों, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे गुरु साहब ने मुझे अपने साहेबजादों की शहादत का बदला लेने के लिए नहीं भेजा। हमारे गुरु साहब ईर्ष्या, द्वेष, वैर, भेदभाव से ऊपर थे। उन्होंने बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया। न्याय की लड़ाई में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के कातिल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिया, और ना ही उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है। आप सब में भी हर मजहब के सिपाही हैं। उन्होंने मुझे पंजाब को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करके खुशहाल पंजाब बनाने के लिए भेजा है। हमारे मकसद की राह में हमें कोई भी अत्याचारी मिलेगा, हम उसको सजा देंगे, चाहे वो वजीर खान हो या कोई और। मैं जानता हूं वजीर खान इंसान नहीं, दरिंदा है। इस दरिंदे के लिए हमारे पंजाब में कोई जगह नहीं। सजा उसको जरूर मिलेगी। कैसे भूल जाऊं उस ठंडे बुर्ज को। बेगम, यहां खड़े होकर उधर क्या देखती रहती हो? फिक्र ना करो, जो सडोरा में हुआ मलेर कोटला के नवाब के साथ सतलुज पे हुआ, उस तरह का कुछ भी सरहंद में नहीं होगा। जीत हमारी होगी। मुगलों के सैकड़ों सालों के इतिहास में इतनी बड़ी जंग ना किसी मुगल ने हारी है और ना मैं हारूंगा। और वो बंदा सिंह, उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे देख मौत भी मुझसे खौफ खाएगी। सूने पन के ठंडे अंधेरे को क्यों नहीं समझते? गुरु साहब का आशीर्वाद ले हम नंदेड़ से 31 निकले थे। उन्हीं की मेहर से आज गिनती हजारों में है। मौसम खुलते ही सरहन पर हमला करेंगे। तब तक हम इन्हें युद्ध कला के हर क्षेत्र में माहिर कर देंगे। माओ ने बेटे, बहनों ने भाई और सुहागनों ने सुहाग हंस हंस कर युद्ध के लिए भेजे होंगे। कलगियां वाले पादशाह, तेरे बंदे में इन बंदों के विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो मर कर भी इनकी कुर्बानी का मूल्य नहीं चुका सकता। उल्टे हो जमाने आए ता मैं पे जोश भरकर बंदूकी ऐसी वाला बनाई कि आज उसके एक इशारे पर लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया बाबा बुल्ले शाह जी। जैसे आपकी कलम लोगों को पाखंडियों से तोड़ती है, वैसे ही बंदा सिंह की सोच जालिमों के खिलाफ आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। भूखे प्यासे गरीब लोगों की पीड़ा को तो एक नेक दिल इंसान ही अपने अंदर महसूस कर सकता है। मैं तो अब कुछ कहते रुक गए साईं जी। कहूंगा, मुंह आई बात ना रहती है। अब रब की रजा में ना रहने वाले जालों का बुरा वक्त आ गया है। मुंह आई बात ना रहती है, मुंह आई बात ना रहती है, झूठा खाते कुछ बच दाए, सच अखियां पांबड़ मच दाए, गल्ला तो जच दाए, जच जच के जीवा के दिए। तेरा भतीजा क्या खबर लेकर आया है? अरे केतामल बताओ। हुजूर,
मैं बंदा सिंह की फौज में घुल मिल गया हूँ। बंदा सिंह जंग के लिए बहुत तैयारी कर रहा है हुजूर। जितनी मर्जी तैयारी कर ले, दिल्ली के तख्त पे बादशाह बदलते हैं, पर सरहंद के तख्त पर वजीर खान था, है और हमेशा रहेगा। तो किधर किधर जाना, अपना दस ठिकाना जिस थाने ता तू मन करे तेरे नाल ना जा सी ठाना। जुल्म करे ते लोग सतावे, कसब फड़िया लुट खाना। खान साहब, आपने जंग जीतने के बाद बंदा सिंह की सजा के बारे में कुछ सोचा है? मैं उसके 40 टुकड़े करूंगा, सर को सरहंद के किले पर टांग कर लोगों के लिए नुमाइश लगवाऊंगा। पर सर का खास ख्याल रखना हुजूर, ये अपने नौवें गुरु का चांदनी चौक से सर उठा कर ले गए थे। ये सरहंद है, दिल्ली नहीं। बहादुर गाजी हो आप अपना कट के चढ़ाई। कहते हैं उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी जो चोट होती है ना वो ऐसी होती है कि इंसान को सबक भी मिल जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। सेम यहाँ वजीर के खान के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। अभी वो सोच रहा है कि मैं सरहंद पे राज करने वाला हूँ और जो बाकी राजाओं का हाल हुआ शायद वैसा मेरा हाल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस गुरु के भेजे हुए बंदे ने जब सबको उस द्वार पे पहुंचा दिया जहां पर शायद वजीर खान का भी हाल होने वाला, वही पहुंचेगा। और यार मुझे तो बहुत मतलब अंदर से ना ऐसा हो रहा कि बस मैं इस मूवी के लास्ट पार्ट देखूं जब वजीर खान का सर कलम होगा। लेकिन जैसा उन्होंने खुद बताया अपने इस पार्ट में कि हमारे गुरु का कोई भी मतलब ये चीज़ नहीं थी कि वो किसी से बदला लेने के लिए, किसी से ईर्ष्या दोष ऐसा करने की उम्मीद से उन्होंने कभी मुझे नहीं भेजा यहाँ पे। मतलब बंदा सिंह बहादुर को उन्होंने किसी का बदला लेने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वो ये चाहते थे जो पंजाब पे जुल्म हो रहा है, जो बेचारे मसलूम हैं, जो गरीब लोग हैं या जो सताए हुए वजीर खान के लोग हों, इनको आज़ाद करना। उन्होंने अपने कभी किसी पर्सनल दुश्मनी से इनको नहीं तैयार किया था। तो यही चीज़ हमारे गुरु में सबसे महान है कि आप खुद सोचिए, माता गुजरी जो थी, उनके पति, पुत्र, पोते, पूरा वंश उन्होंने अपना वार दिया था और उनके मुंह से एक बार भी उस वजीर खान के लिए एक गलत शब्द नहीं निकला। लेकिन क्या उनकी आत्मा कुढ़ी नहीं होगी? क्या उनकी आत्मा को तकलीफ़ नहीं हुई होगी? तो वो बोलते हैं ना, जो इंसान कहते हैं जब शब्दों से नहीं बोल पाता है तो उसकी आह बहुत भयानक होती है। और वजीर खान का जो हाल होने वाला है ना वो हम अपने 5th पार्ट में ज़रूर देखेंगे और आप सब देखिएगा, क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशी मिलेगी इस पार्ट को देखने में। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जो कि लास्ट पार्ट होगा। तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।